सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कबीरा मोबिलिटी ने इंडियन मार्केट में अपनी सबसे तेज इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च कर दिया है। गोवा बेस्ड स्टार्टअप कबीरा मोबिलिटी ने इंडियन मार्केट में दो नई हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मेड इन इंडिया बाइक KM3000 और KM4000 को लॉन्च कर दिया है। इन इलेक्ट्रिक बाइक के लिए बुकिंग 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। कबीरा मोबिलिटी ने कहा है कि उसकी बाइक इंडिया में सबसे तेज इलेक्ट्रिक बाइक है। KM3000 और KM4000 इलेक्ट्रिक बाइक में एक डेल्टा ईवी BLDC हब मोटर और डेल्टा ईवी स्मार्ट FOC कंट्रोलर मिलता है। KM3000 इलेक्ट्रिक बाइक में 6000 वॉट का पावर मिलता है और इसका वेट 138 किलोग्राम है और यह एक फुल स्पोर्ट बाइक मॉडल है, जबकि KM4000 एक नेक्ड इलेक्ट्रिक स्ट्रीट बाइक है और इसका वेट 147 किलोग्राम है और इसमें दिया गया मोटर 8000 वॉट की पीक पावर जनरेट करता है। डेल्टा ईवी BLDC मोटर पर बेस्ड ये इलेक्ट्रिक बाइक्स एक बार फुल चार्ज करने के बाद 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है। कबीरा KM3000 में एलॉय स्टील चेसिस मिलती है। कबीरा मोबिलिटी के मुताबिक KM4000 सबसे तेज इलेक्ट्रिक बाइक है। इस बाइक के लिए इंडियन मार्केट में अभी कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ रिबॉल्ट कंपनी ई मोटरसाइकिल बेचती है। इलेक्ट्रिक टू व्हील सेगमेंट में ज़्यादातर लो स्पीड और हाई स्पीड स्कूटर अवेलेबल हैं। अब बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो KM3000 और KM4000 इलेक्ट्रिक बाइक्स को दो मोड पर चार्ज करने का ऑप्शन दिया गया है। ईको मोड पर बाइक में दिए गए पावर पैक को पूरी तरह से चार्ज करने में 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं, जबकि बूस्ट मोड पर बाइक की बैटरी को सिर्फ 50 मिनट में 80% तक चार्ज किया जा सकता है। दोनों बाइक में लिथियम आयन बैटरी पैक का यूज़ किया गया है और इसे एक यूनिवर्सल टाइप 2 चार्जर की हेल्प से चार्ज किया जा सकता है। इसके फीचर्स की बात करें तो बाइक्स में मिलने वाले फीचर्स, इसमें एक स्मार्ट डैशबोर्ड, 450 निट्स ब्राइटनेस, फायर प्रूफ बैटरी पैक, स्मार्ट राइडिंग मोड और मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी शामिल हैं। ये ई बाइक स्लीक एरोडायनामिक प्रोफाइल, पार्क असिस्ट और कई अदर फीचर्स के साथ मॉडर्न डिज़ाइन वाली है। कंपनी का कहना है कि इस बाइक को परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये बाइक कॉम्बी ब्रेक, फास्ट चार्जिंग ऑन बोर्ड और रोड साइड असिस्टेंस की सुविधा के साथ आती है, जिससे वे स्टाइल और परफॉर्मेंस के मामले में पेट्रोल मोटरबाइक से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। फिलहाल कंपनी ने कहा है कि इस बाइक को 9 शहरों में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी इन बाइक्स को शुरुआत में 9 शहरों यानी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गोवा और धारवाड़ में उपलब्ध कराएगी। कबीरा बाइक्स की डिलीवरी इस साल मई से स्टार्ट होगी। प्राइस की बात करें तो KM3000 की प्राइस 1,26,990 रुपीज़ रखी गई है और KM4000 बाइक की प्राइस 1,36,990 रुपीज़ रखी गई है। दोनों प्राइस गोवा में बाइक्स की एक शोरूम की हैं। कबीरा की दोनों इलेक्ट्रिक बाइक ज़्यादा रेंज के साथ आई हैं और ये जनरेशन जेड को लुभाने का लक्ष्य रखती हैं। कबीरा मोबिलिटी के CEO जयबीर एस सिवाच ने कहा, हम मानते हैं कि आज के युवा को पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना एक पावरफुल बाइक की प्रबल इच्छा रहती है। हम इंडिया में इन बाइक्स के लिए काफ़ी संभावनाएं देखते हैं। इस समय ईवी स्टार्टअप के देश में 2 प्लांट हैं, गोवा और कर्नाटक में धारवाड़। गोवा के प्लांट में 10,000 और धारवाड़ में 8,000 बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। कंपनी का कहना है कि वह धारवाड़ में भारत का सबसे बड़ा ईवी दोपहिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली है, जहाँ हर महीने 75,000 यूनिट का उत्पादन किया जाएगा। इस साल अप्रैल से यह प्लांट चालू हो जाएगा।
तो सबसे तेज़ इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च कर दिया गया है कबीरा मोबिलिटी की तरफ से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। Thanks for watching this video. Thanks.